हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने इस चैनल में एक बार फिर से खैर मकदम है। बच्चों आज हम थोड़ा सा फुर्सत में थे तो कहानियाँ एक पढ़ रहे थे और बच्चों छोटे बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। हमने सोचा कि ये कहानी हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बच्चों कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और हमें कहानियाँ पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अच्छी और हमेशा अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए जिससे आपको एक नसीहत मिले। खैर, अब तो वक्त बहुत बदल गया, सारे बच्चे मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप मोबाइल उठाइए तब भी आप अच्छी अच्छी कहानियाँ ही सुनते रहिए, ठीक है बच्चों। जो जैसे कि आपको ये सबक दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे बच्चों की किताबें हैं, उसी का ये सबक है और बहुत ही एक अच्छी सी स्टोरी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। हम कुछ चीज़ें हाईलाइट भी करते रहेंगे जिससे आपको अच्छा भी लगेगा, ओके, ठीक है। तो सबक का नाम है बच्चों, मेहनत की कमाई। जी हाँ, कहा जाता है मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई जो होती है वो मेहनत करने वाला ही जानता है कि उसने मेहनत से कैसे रोजी रोटी कमाई है। तो ये सबक आपका वही है, पहले आप सुनते जाइए फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, एक छोटा सा बच्चा है, आपको फिगर में दिख रहा है, एक छोटा सा बच्चा है और उसके वाली साहब हैं, छोटा सा बच्चा वाली साहब है। तो देखिए कहानी कैसे शुरू होती है। एक आदमी के पास बहुत सी दौलत थी, है ना, देख रहे हो ना, एक आदमी के पास बहुत सी दौलत थी, उसका बहुत बड़ा कारोबार था, उसके सिर्फ दो ही बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। उसका लड़का बेकार बातों में अपना वक्त बर्बाद करता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो बेकार बातों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं और बेकार चीज़ों में बहुत सा रुपया खर्च करता था, गोया वो पानी की तरह अपने बाप की कमाई को लुटाता था। लड़के के बाप का उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करता था, उसका बाप जो था उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करता था कि इस तरह बेकार चीज़ों और बेमतलब बातों में अपना वक्त और रुपया बर्बाद ना करें। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे पैसा तो पैसा बर्बाद होता भी है और वक्त दोनों बर्बाद होता है अगर आप फजूल बर्बादी करते हैं। उसने अपने लड़के को समझाने की भरपूर कोशिश की मगर उसकी समझ में कुछ आया ही नहीं, लड़के पर कुछ असर ही नहीं हुआ। फिर देखिए क्या होता है आगे, ठीक, हाँ, फिर देखिए आप, उस लड़के उस लड़के के बाप ने एक तरकीब सोची। उसने लड़के से कहा, बेटा अपना कमाया हुआ एक रुपया रोज़ाना पास वाले कुएं में फेंकना। लड़का भी राज़ी हो गया, उसने अपनी माँ से रोज़ाना एक रुपये लेकर कुएं में फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चों, शुरू कर दिया। उसे रोज़ाना एक रुपया देती और वो उसे कुएं में फेंक देता। इसी तरह हफ्तों का अरसा गुज़र गया, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। एक दिन जब उसने अपनी माँ से रुपया मांगा तो माँ ने उसे कहा, प्यारे बेटे जब तक मेरे पास रुपये रहे तो मैं तुम्हें देती रही, अब मेरे पास एक भी रुपया बाकी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूँ, अब तुम खुद ही किसी तरह पैसा कमाओ और काम को अंजाम तक पहुँचा दो, ठीक है। माँ की कही बात सुनकर लड़के का चेहरा उतर गया, मतलब रोज़ तो वो पैसा मांगता था, ले जा कर के उसी में डाल देता था कुएं में, और पैसा उसका रोज़ ख़त्म भी हो जाता था इस तरीके से। और जब पैसा ख़त्म हो गया तो उसकी माँ ने एक दिन जवाब दे दिया कि अब तो पैसा ख़त्म हो गया है। फिर क्या होता है, कुछ देर तक उसकी समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। आखिर उसने कुछ देर तक एक कारखाने में काम किया, उसे मजदूरी के पैसे मिले, फिर उसे मतलब पैसे जो लेता है तो उसको धुन तो सवार रहती ही पैसे की। फिर उसने मजदूरी से पैसे मिले और पैसे ले करके उस दिन भी अपने वालिद के पास गया। उसके वालिद ने उस दिन भी जब रुपये फेंकने को कहा, क्योंकि वो तो पैसा ले जाके फेंक देता था, जब उस दिन भी उसने रुपये फेंकने को कहा वालिद साहब ने उनके, तो वो बोला, मैं आज रुपया नहीं फेंक सकता। वालिद ने वजह पूछी, लड़की ने जवाब दिया, मैं आज रुपये को कुएं में इसलिए नहीं फेंकूँगा क्योंकि ये रुपया मैंने मेहनत से कमाया है। देखा बच्चों,
अब ये कह रहे हैं कि ये जब मतलब वालिद का था तब फेंक देती थी, इनके अब्बू जब पैसा देते थे तब तो ये फेंक देते थे, लेकिन अब जब खुद मेहनत से कमा करके आए हैं तो कह रहे हैं कि मैं अब ये नहीं फेंकूँगा क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसलिए आज रुपये फेंकने को दिल नहीं चाहता है ना बच्चों। बाप ने कहा, बेटे मैं तुम्हें ऐसा ही बनाना चाहता था, आज तुम्हें एहसास हो गया मेहनत की कमाई हुई दौलत बेकार लुटाने में दुख होता है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम ठीक राह पर आ गए, अब तुम्हें ज़िंदगी भर मेहनत का एहसास रहेगा। सही बात है, कम से कम उसके वालिद ने इसीलिए कुएं में डालने के लिए कहा ताकि इसे अपनी गलती का एक ना एक दिन एहसास दिला सकें। अब जब उसने पैसा देने से मना किया, उसे काम करवाया, मेहनत करवाया, तब वो पैसा कमाया, और जब मेहनत से पैसा कमाया तो उसे एहसास हो गया कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, अब तुम्हें ज़िंदगी भर मेहनत का एहसास रहेगा और कभी अपना वक्त। यहाँ बच्चों दो चीज़ें कही जा रही है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये कह रहा है कि अपना वक्त और रुपया, यानी कि वक्त और रुपया बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों वक्त भी पैसा भी बहुत बहुत कीमती है, आज के लिए तो पैसा बहुत कीमती है, लेकिन बच्चों यूँ तो कहें कि वक्त भी बहुत कीमती है, क्योंकि एक बार बच्चों अगर वक्त चला गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप ही सोचिए कि आप छोटे रहे होंगे, फिर धीरे धीरे आप बड़े होते चले जा रहे, क्या आपको बचपना कभी लौट कर आएगा? कभी नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों कभी भी अपने पैसे को या कभी अपने वक्त को फजूल कामों में मत बर्बाद करो। इसीलिए तो कहा गया बच्चों, एक मुझे शेर याद आ रहा है, जैसा कि मैं हमेशा शेर ही शायरी ही मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिलचस्पी है शेर व शायरी। कहा जाता है कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, यानी कि सुबह होती चली जाती है, शाम होती चली जाती है, होती तो रहती ही है सुबह शाम, कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो इसी तरीके से जैसे एक एक दिन सुबह होती है वैसे एक एक दिन शाम होती है, और हमारी ज़िंदगी भी जो बहुत छोटी होती चली जाती है। इसीलिए बच्चों जैसे कि आपको इस कहानी में बताया गया, हम एक बार फिर दिखाते हैं इस कहानी को, क्या नाम था, मेहनत की कमाई। हमें मतलब पैसों की कदर करनी चाहिए और अपने वक्त दोनों की कदर करनी चाहिए, पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए और वक्त को भी सही अच्छी सुहबत के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे काम में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, और हाँ खेल कूद में भी, अगर आप बच्चे हैं तो खेल कूद में भी काम करना चाहिए, क्योंकि खेल कूद से भी आपकी सेहत भी अच्छी रहती है बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब अल्फाज माने हैं बच्चों, ये अल्फाज माने हम सोच रहे हैं आपको हमेशा नोट कराएं, क्योंकि अल्फाज माने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देखिए दौलत सरमाया अरशा कहते हैं, एक अरसा बीत गया यानी ज़माना बीत गया, कारोबार धंधा आप जानते ही हो अंजाम तरीका, कारखाना फैक्ट्री ये भी आप जानते हो, तरकीब ये भी आप जानते हो, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ सवाल हैं, जैसे कि आदमी के कितने बच्चे थे, है ना, लड़का क्या करता था, बाप ने लड़के से क्या कहा, माँ ने लड़के से क्या जवाब, ये सब कुछ सवाल हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको कहानी सुनाना था बस, ठीक है। और इस तरीके से हम आपको अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाते रहेंगे। आप प्लीज़ मेरे बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहो, अपना नाम भी ज़रूर लिखो।